नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। और कानून व्यवस्था तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ भाजपा कर रहा है। इस तरह से राज्यसभा में नेताओं का वोट भेजा जा सके, सीधे सीधे कैसे, किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग कर सके, किस तरह से विधायकों पर अरेस्ट वारंट लगा खुलवा कर खुलवा कर उनकी गिरफ्तारी हो सके, ये काम तो एक्सपर्ट भाजपा है। अब हमारी सरकार कहाँ है? हम लोग तो न्याय से कर काम करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो फैसले साहब ले रहे हैं वो नीतिगत फैसले हैं, ये होना भी चाहिए। और जो आरोपी है वो जेल जाए, इससे राज्यसभा का कोई संबंध नहीं है। और राज्यसभा दोनों सीटों में परंपरा का उल्लंघन है तो आप उन्हें कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबसे अधिक संख्या बल वाला राजनीतिक दल है प्रतिपक्ष में, और उसने अपना नेता आदरणीय बाबू लगा रहे हैं, जब कैप्टन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा सदन? लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। किस प्रकार से पूरे 5 साल तक राज्य के जनता के सवालों को उन्होंने सदन में रोकने का काम किया था, झारखंड की जनता देखी है। हम तो केवल लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए आए हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि आप निर्णय करिए, और नेता प्रतिपक्ष का निर्णय करके हमने अपना नेता चुन लिया। दरअसल यह खींच उनकी अपनी पुरानी खींच है। जिस प्रकार से देश की जनता ने संसद में उन्हें नकारने का काम किया, संख्या बल के हिसाब से भी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को नकारने का काम किया, उसी का खींच यह इस प्रकार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।